हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको लेके आई हूँ अप्पू घर। ये निगड़ी में बना हुआ है और इसे मिनी डिज्नीलैंड ऑफ पुणे भी कहते हैं। यहाँ पे आप कॉम्बो टिकट ले सकते हैं जो कि 500 रुपीज़ का है, जिसमें सारी राइड्स इंक्लूडेड है। और अगर आपको सारी राइड्स नहीं करनी है तो आप 100 रुपीज़ की एंट्री ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पे 50 और 100 रुपीज़ के टिकट अवेलेबल है बेस्ड ऑन देयर हाइट। यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो पार्किंग का भी कोई टेंशन नहीं है वीकेंड पे भी। तो चलिए अंदर चलते हैं, साथ ही मैं आपको हर राइड की डिटेल्स देती जाऊँगी, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अंदर एंट्री करते से आपको ये बोर्ड मिलेगा जहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं कौन कौन सी राइड्स अवेलेबल है। हमने सबसे पहले शुरुआत करी अप्पू एक्सप्रेस से। इसका प्राइस 60 रुपीज़ था और ये बड़े और बच्चे दोनों के लिए थी। काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस राइड को। नेक्स्ट राइड जो हमने की थी वही थी माय फेयर लेडी और इसका प्राइस था 50 रुपीज़। हर राइड के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि ये राइड किन लोगों के लिए इंटेंडेड है। बहुत सारी राइड्स सिर्फ 3.5 फीट के ऊपर के लोगों के लिए थी और कुछ राइड सिर्फ 3.5 फीट से छोटे बच्चों के लिए थी। नेक्स्ट राइड थी ये धड़क गाड़ी। ये 3.5 फीट के ऊपर के बच्चों के लिए थी, बट छोटे बच्चे भी अकम्पनी कर सकते थे बट ऑन देयर ओन रिस्क। इसकी प्राइस 60 रुपीज़ थी। नेक्स्ट था ये रोलर कोस्टर, बहुत ही एक्साइटिंग था ये और इसका प्राइस था 80 रुपीज़। नेक्स्ट राइड था अप्पू कोलंबस और ये भी 3.5 फीट के ऊपर के ही बच्चों के लिए थी। इसका प्राइस था 80 रुपीस। नेक्स्ट सेक्शन था गो कार्टिंग का। यहाँ पे जो भैया अवेलेबल थे वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे गाड़ी को लेके कि आपको कहाँ कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे चलानी है। नेक्स्ट सेक्शन था गाइडेड कार का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग थी पर इसको करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसका प्राइस 60 रुपीज़ था। नेक्स्ट सेक्शन था फ्लाइंग बलून। इसका प्राइस था 60 रुपीज। नेक्स्ट सेक्शन था ये 12D सिनेमैटिका। इसका प्राइस था 150 रुपीज। नेक्स्ट राइड थी टेलीकॉम्बेट और इसका प्राइस था 60 रुपीज़। यहाँ पे मोस्टली राइड्स 50, 60 और 80 रुपीज़ तक की हैं। अगर आपको फुल कॉम्बो नहीं लेना है और सिलेक्टेड राइड्स करनी है तो आप सिर्फ 100 रुपीज़ की एंट्री लीजिए और जिस राइड को आपको करना है वहाँ पे जाके उसका टिकट ले लीजिए। तो ये सब बड़े लोगों की राइड्स थी। अब हम देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या राइड्स अवेलेबल थी। तो ये था जिराफ राइड और ये 50 रुपीज़ का था।
गम्मत किर की, इसका प्राइस भी 50 रुपीज़ था। यहाँ पे राइड्स बहुत ही अलग अलग शेप्स में थी जो कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी और मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे इन सब राइड्स को। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड अ इवनिंग जहाँ पे बड़े और बच्चे दोनों एक साथ इन्जॉय कर सकते हैं। ये एक और राइड था पर ये राइड उस दिन बंद थी तो हम इसे कर नहीं पाए। आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो कम से कम 4 घंटे लेकर आएँ क्योंकि ये इतना बड़ा पार्क है और यहाँ पे इतनी सारी राइड्स अवेलेबल हैं कि आपको 3-4 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। ये एक राइड थी क्रेजी बस, मुझे ये राइड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। यहाँ पे एक क्रिकेट गेम जोन भी बनाया हुआ था जहाँ पे बच्चे आके इन्हें प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट की। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया भी बना हुआ था जहाँ पे अच्छे अच्छे स्नैक्स भी अवेलेबल थे। यहाँ पे भूत बंगला भी बना हुआ था और इसकी प्राइस थी 60 रुपीज़। इसका नाइट व्यू कुछ इस तरह दिख रहा था। ये एक बोर्ड था जहाँ पे सारे राइड्स के फेयर लिखे हुए थे। ये पार्क काफ़ी बड़े एरिया में बना है और यहाँ पे बहुत अच्छा ओपन एरिया भी है जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम कैफेटेरिया ये काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने पीने के।